हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 7 का गणित पार्ट नंबर 1 परिमेय संख्याएं, ठीक है, और अभ्यास 1B। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 1B। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। देखिए, सरलतम रूप क्या होता है, मैंने आपको बताया था। सरलतम रूप किसी चीज को छोटी से छोटी कर लिखना, काट कर लिखना, तोड़ फोड़ कर लिखना ही परिमेय संख्या कहलाता है, या आप उसको एलसीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यही सवाल समझते हैं। जैसे कि हमने सवाल दिया है, नंबर क्या है, 8 - 8/10। इसका हल करेंगे, देखिए, -8/10। देखिए, इसके काटिए, 2 से काटिए, 2 2 4 8, 2 5 10। एक ही संख्या से काटना है, ठीक है, अलग अलग संख्या से नहीं काटना है। अगर एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कट रही हैं, हर भी अंश वाली संख्या भी और हर वाली संख्या भी, तो हमारा आंसर सही होगा और सही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा 15/20, इसको हल करेंगे, 15/20। इसको देखिए, चाहे एलसीएम से कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए। देखिए, एलसीएम से कीजिए, एलसीएम से करके देखिए, 3 5 15 5 1 5, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 3 × 5, ठीक है। इसे देख लीजिए, 20 को कर दो, 2 से काट के 2 5 10, ठीक है, और 2 5 10, और 5 × 5, 2 × 2 × 5, देखिए 5 से 5 कट गया, और क्या हो गया, 3 × 3/2 = 4, 3/4 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या आप थोड़ा अगर हाई कैलकुलेशन कर देना है तो उसको आप करना है, एक ही संख्या से काटना है जिससे दोनों संख्या कट जाए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काट कर देखना है कि दोनों संख्या कट रही है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले 2 से काट कर देखा था, उसी प्रकार इसमें देखना है, ठीक है। यहाँ कट रही है हमारी 5 से, ठीक है, 5 या 15 5 6 20, ठीक है। उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, 25/45, ठीक है। जब आप एलसीएम से कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, देखिए हम इसका ट्रैक करते हैं, 5 5 25 5 9 45, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, -14/77, ठीक है, इसको करेंगे, इसे 7 से काटते हैं, 7 × 14 और 7 × 11 = 77, ठीक है। 7 से 2 बार कट जाएगा, -2, और 7 से काटेंगे, 77 × 11 = 77, ठीक है, 11 × 77 हो जाएगा। क्या करना है, संकेतों को बढ़ना है, देखिए संकेतों को बढ़ना है इनमें, इसमें बताना है कि इन्हें स्थानों में बताना है कि बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अगर हमारी संख्या गुणा करके बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगाना, ठीक है। देखिए कैसे इसको हल करते हैं, इसको हल करके देखते हैं, तो देखिए -4/5 - 5/7, देखिए क्या करना है इसमें, आपस में गुणा करना है, देखिए ब्रज गुणा तो आपको पता ही है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ठीक है। देखिए -4 × 7, ठीक है, तो 4 × 7 = 28, -28, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें देखिए, 5 5 × 5 - 5, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, तो हो जाएगा -25, ठीक है। तो संख्या बराबर नहीं है, यहाँ पर लगाएंगे बराबर नहीं का चिन्ह, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 को हल करते हैं, इसमें क्या करना है, देखिए इसमें ये करना है, बराबर बड़ज गुणा करनी है इसमें, देखिए इसकी इसमें करनी है और इसकी इसमें करनी है, देखिए 7/-11, ठीक है, और -7/11, देखिए 11 से -11 की गुणा करनी है -7 में, तो -से - कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 11 से 77, ठीक है। उसी प्रकार से करेंगे 7 की 11 में करनी है, देखिए 7 × 11, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 11 = 77, यह हमारी संख्या बराबर है, यहाँ पर हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार सवाल कौन करते हैं, देखिए
इसकी गुना इसमें करनी है, इसकी गुना इसमें करनी है। देखिए पहले सबसे पहले सवाल उतार लीजिए, माइनस आठ बटे पांच गुना माइनस सात बटे माइनस चार। देखिए किसकी गुना इसमें कीजिए, इसकी गुना इसमें कीजिए, इसकी गुना इसमें कीजिए। देखिए जब माइनस आठ गुना माइनस चार, ठीक है, तो आठ चौक बत्तीस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, बत्तीस हो जाएगा, माइनस का माइनस बट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पांच गुना माइनस सात, तो पांच सत्ते पैंतीस, माइनस लग रहा है तो माइनस से माइनस को माइनस बनेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार स्कोर करते हैं, देखिए चौदह गुना सोलह में बननी है, चौदह गुना माइनस सोलह गुना माइनस इक्कीस बटे सोलह, चौदह गुना सोलह में करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो सौ चौबीस हो जाएगा हमारा। और इसकी गुना देखिए चौदह की गुना नहीं सोलह की गुना इसमें करेगा क्या हो जाएगा, तीन सौ छत्तीस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे बराबर नहीं है, उसके यहाँ पर क्या लगाएंगे, बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, ये भी हमारे बराबर नहीं है, ठीक है। तो यही इसी प्रकार से सबसे तो ये बताना है कि यह संख्या बराबर है या नहीं, ठीक है। सवाल नंबर तीन में क्या कहा हुआ है, निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। देखिए कुछ नहीं करना है, डरने की बात नहीं है, जिस तरह हमने सवाल नंबर दो में किया था ब्रज गुना की थी, इसी प्रकार इन्हें भी ब्रज गुना ही करनी है, ठीक है। बस फर्क इतना है, बताना है कि इनमें कौन समान है और कौन असमान है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा अब देखते हैं, जैसे कि हम इसको हल करेंगे सवाल नंबर क्या को, सबसे पहले सवाल को उतार लीजिए। जब भी आप पेपर में हल करें, एग्जाम में हल करें, तो सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हल करेंगे। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है, टीचर को लगता है कि बच्चा बहुत काफी हद तक सही सवाल करता है और इसके पास अच्छी नॉलेज है सवाल को हल करने की, ठीक है। हल कर कर लिखेंगे तो थोड़े नंबर अच्छे मिलेंगे। देखिए क्या करेंगे, ऐसे ही आठ बटे माइनस बारह, ठीक है, इसी गुना इसमें कर देंगे और इसी गुना इसमें कर देंगे। देखिए कैसे माइनस नौ की गुना माइनस बारह में की, ठीक है, बराबर, और बारह की गुना आठ में की, ठीक है, तो बारह नौ में एक सौ आठ, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक सौ आठ हो जाएगा प्लस के, ठीक है, बराबर बारह अठे छानवे, ठीक है। तो यहाँ बराबर नहीं है, देखिए एक सौ आठ है इधर, ठीक है, और यह छानवे है तो बराबर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, असमान है, समान, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या बता रहा है इस सवाल में कि समान कौन है और असमान कौन है, ठीक है, उसमें यहाँ क्या है, बराबर नहीं है, अगर बराबर है तो यह हमारा हो जाएगा समान, वो बराबर नहीं है तो हो जाएगा असमान, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर ख को देखते हैं, सवाल नंबर ख को देखे इसको हल करेंगे, माइनस पंद्रह बटे माइनस पैंतालीस, ठीक है, सोलह बटे माइनस अड़तालीस, ठीक है, गुना करनी है, इसकी गुना इसमें करनी है और इसकी गुना इसमें करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसकी गुना इसमें करते हैं, माइनस पंद्रह बटे माइनस अड़तालीस, सॉरी माइनस पंद्रह गुना माइनस माइनस पंद्रह गुना माइनस अड़तालीस बराबर माइनस पैतालीस गुना सोलह, ठीक है। देख करते हैं, पंद्रह अट्ठे नाट्य के दिन होते हैं, पंद्रह अट्ठे इसी गुना इसमें करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा सात सौ बीस, ठीक है, माइनस माइनस पता हो जाएगा,
ठीक है नंबर खाया भी क्या ही करना है, 100 नंबर खाया भी ऐसे ही करना है, ब्रजगुणा करनी है। ठीक है देखिए हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले 100 को उतार लीजिए, गुणा 16 बटे माइनस उतार लीजिए, है माइनस निकल। ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए, माइनस 15 गुणा माइनस 48 ठीक है बराबर 45 गुना 16। तो इसके माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 15 की गुना 48 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 720। ठीक है इसी प्रकार देखिए 45 गुना 16 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 720। तो यहाँ क्या है देखिए समान है, ठीक है 720 इधर है 720 इधर है देखिए। ठीक है तो यहाँ क्या है समान है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए को देखते हैं हल करते हैं, सवाल नंबर 11। सबसे पहले सवाल उतार लीजिए, 21 गुना 3 बटे माइनस 9। इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें भी ऐसे ही करना है, इसी गुना इसमें, इसी गुना इसमें। ठीक है तो भाई माइनस 7 गुना माइनस 9 बराबर 21 गुना 3। तो 7 9 63, माइनस से तो माइनस काट देंगे और 7 9 63 बराबर 21 63। यहाँ भी क्या है समान है, ठीक है इधर भी 63 है और इधर भी 63, तो यहाँ क्या है समान है। ठीक है उसी प्रकार सवाल नंबर ध्यान देखिए, इसको हल करेंगे, माइनस 8 बटे माइनस 14 गुना 13 बटे 21, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें। ठीक है तो देखिए माइनस 8 गुना 21 बराबर माइनस 14 की गुना 13 में, देखिए 21 अट्ठे कितने होते हैं, 21 अट्ठे 168। ठीक है 21 अट्ठे 168 बराबर 14 की गुना 13 करेंगे, 14 किया 48 का 8 का सिलगु 4 14 4 कितने हो जाएंगे 182 हो जाएगा। ठीक है नहीं हमारा हमारा क्या है आंसर यहाँ क्या हो जाएंगे ऐसा मान। ठीक है यहाँ हो जाएंगे ऐसा मान। ठीक है अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या बनना है। सवाल नंबर 4 में निम्न परिमेय संख्याओं को क्या बनाना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। देखिए संख्या रेखा पर प्रदर्शित, देखिए आप मैंने भाग 1 में आपको पूर्णांक पढ़ाया था, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है तो यह पूर्णांक पर आधारित सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा पूर्णांक पर आधारित है। ठीक है तो आप मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, नहीं तो आपको यहाँ अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है, हल करना है देखिए, 3/4 संख्या रेखा पर निरूपित करना है, क्या संख्या रेखा पर निरूपित है या नहीं। देखिए एक सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लीजिए, यहाँ पर हो गई 0, ये मैंने बताया था धन पूर्णांक होगा, इधर ऋण पूर्णांक होंगे। तो धन पूर्णांक देखिए यहाँ धन पूर्णांक हो गए और यहाँ हमारे इधर हो जाएंगे ऋण पूर्णांक। ठीक है तो कुछ नहीं करना है, देखिए जो हमारी पट्टे की संख्या है नीचे की 3/4 में 4 है जो हर है हमारा, उस हर को क्या करना है देखिए, सबसे पहले इसे 4 देखिए जो संख्या 4 दी है ना, उस 4 को ही हमें 4 भागों में डिवाइड कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 ठीक है। तो 0 देखिए 0/4, अब क्या करना है 0
अब यहाँ पर जीरो बचा के क्या आएगा, एक एक बटे चार, अब दो बटे चार और तीन बटे चार और फिर चार बटे चार। तो हम देखना है कि तीन बटे चार संख्या रेखा पर निरूपित है या नहीं। तो देखिए तीन बटे चार क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित है। तो यहाँ इसे हम ए मान लेते हैं, तो हमारा तीन बटे चार क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित है। इसका आंसर हो जाएगा तीन बटे चार संख्या रेखा पर, संख्या रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, संख्या रेखा क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर दो। सवाल नंबर दो में देखिए, सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लेनी है। संख्या रेखा देखिए, इधर जीरो, इधर एक, दो, धनपूर्ण हो गए। ठीक है, इधर जाओ आप ना, दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो में ले। उसके बाद देखिए सवाल नंबर दो में क्या दिया है, तीन बटे पांच। ठीक है, तीन बटे पांच, तो मैंने क्या कहा, जो संख्या भर दिया है उस संख्या को इतने भागों में डिवाइड कर देना है। देखिए एक, दो, तीन, चार और एक पांच। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, मैंने कहा इस संख्या को ही देखिए बांट लीजिए, जीरो बटे पांच, एक बटे पांच, दो बटे पांच, तीन बटे पांच, चार बटे पांच और पांच बटे पांच। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, तीन बटे पांच को देखना है, संख्या रेखा को निरूपित है या नहीं। तो देखिए कहीं दिख रही है आपको तीन बटे पांच, तीन बटे पांच नहीं दिख रही है, देखो नहीं है तीन बटे पांच। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको ए मान रखा है, तो ए मान लीजिए, तो यहाँ हमारे संख्या रेखा को देखिए निरूपित कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमें तीन बटे पांच संख्या रेखा को निरूपित करती है। ठीक है, अब सवाल नंबर तीन को देखिए। सवाल नंबर तीन में क्या कहा गया है, गया में पांच बटे आठ। ठीक है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लीजिए, संख्या रेखा ले ली, जीरो ले ली। ठीक है, जीरो से इधर धनपूर्ण हो जाएंगे, इधर एक दो, इधर आप ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल जिनकी सही है उसको मैंने बोला है जो हल की संख्या है उसको इतनी भागों में डिवाइड कर लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसी संख्या को देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो बटे एट, एक बटे आठ, दो बटे आठ, तीन बटे आठ, चार बटे आठ, पाँच बटे आठ, छः बटे आठ, सात बटे आठ, आठ बटे आठ। ठीक है, तब देखना है पांच बटे आठ संख्या रेखा पर निरूपित है या नहीं। पांच बटे आठ हमारी देखिए नहीं, यह हमारी संख्या रेखा पर निरूपित है। इसका आंसर में क्या आ जाएगा कि पांच बटे आठ संख्या रेखा पर निरूपित करता है। ठीक है, अब उसके बाद सवाल नंबर गया बचता है, इस सवाल को आपको अपने आप करना है। ठीक है, इस सवाल का आंसर में डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दे रहा हूं, मैं आपको चेक कर कर राइट कर कर भेज दूंगा। ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर पांच में क्या करना है। सवाल नंबर पांच में कहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़ों में कौन कौन असमान है। देखिए सवाल नंबर तीन में मैंने बताया था कि कौन समान है, इसमें क्या बताना है कौन असमान है, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे कि मैंने प्रज गुना की थी इसकी इसमें इसकी इसमें, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, हर सवाल को हल करेंगे तो माइनस आठ की गुना माइनस इक्कीस में कर देंगे। ठीक है, बराबर और माइनस चौबीस की गुना कर देंगे सात में, तो इक्कीस अट्ठे एक सौ अड़सठ हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, बराबर चौबीस सत्ते एक सौ अड़सठ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो समान हो गया। ठीक है, हमें क्या हमें देखना है इसमें कौन समान है कौन असमान है। ठीक है, यहाँ समान हो गया, हमें क्या करना है इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो माइनस पंद्रह गुना माइनस तीस गुना बीस गुना पच्चीस। ठीक है, तो देखिए पंद्रह तीन पैंतालीस, चार सौ पचास, माइनस से माइनस कट गया और पच्चीस गुनी पचास,
यह होगा 500, ठीक है। तो यह भी क्या, यह क्या है हमारी संख्या, ऐसा मान है, ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर गया में, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, ठीक है, ब्रज गुना बोल दे इसको। अब इसको देखिए, इसको हल करेंगे, जीरो गुना चार बराबर माइनस सात गुना जीरो, ठीक है, चार जीरो जीरो और सात जीरो जीरो। अब ये बोलता है ना कि माइनस है तो माइनस जीरो कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जीरो बराबर जीरो तो यहाँ क्या है हमारा, समान हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर गया में, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, माइनस छ गुना माइनस पंद्रह बराबर दस गुना नौ, तो पंद्रह छ के नब्बे, माइनस से माइनस कट गया, दस नौ नब्बे, तो यह भी समान हो गया, यह भी क्या है समान, इधर भी नब्बे इधर भी नब्बे, तो यह भी हमारा समान है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं जिसके आपके सवाल समझ में नहीं आता और सवाल छूट जाते हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक पूरी देखें, ठीक है, और हमारी वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें जिससे कि अन्य बच्चों की घर बैठकर पढ़ाई हो सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।